हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटीपी क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। हमने टोटल टारगेट किया है कि जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है अप्रॉक्सीमेट हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चंस में जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं, टॉपिक वाइज जहाँ से भी न्यूमेरिकल बन सकता है, सभी न्यूमेरिकल्स को आपके साथ में विद डिटेल सोल्यूशन, मतलब जितना हो सकता है ईच एंड एवरी टर्म्स को बताने की कोशिश करेंगे। शायद आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली, और बेनिफिशियल तो बहुत रहने वाला है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान देना है, जैसे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी क्या कर रहे हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, नवंबर में एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, तो उनको प्री के बाद मेंस देना होता है, तो इसी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, और उसको अच्छे से डिटेल लिख करके आना ना, मेंस में लिख करके आना होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स जैसे फोर्थ सेमेस्टर में अभी सब्जेक्ट दे रखा है डिप्लोमा में देखा जाए, और एसएससी में मेंस में ये आता है, इवन ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही 20 एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट, सॉरी 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, उसके बाद में जितना भी एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स, एक आपको पीडीएफ मिलेगा। ऑलरेडी ये पीडीएफ हमने क्या कर रखा है, ग्रुप में सेंड कर रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में। जो हमारे पास ग्रुप से जितने बच्चे जुड़े हुए सभी के पास होगा, खुद से ट्राई करिए, कॉपी उसको फिर क्या करिए, मैच करिए। क्योंकि देखिए, नॉलेज को लेना है, कहीं से भी मिले, जहाँ से भी मिले वहाँ से आप नॉलेज को गेन करिए। अभी आपकी वही एज है गेन करने वाला, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेटली मिलेगा, ये बात श्योर है। चलिए, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट द सेप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर डिजाइन स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे दो केस इन्होंने दे रखे हैं, क्या क्या दे रखा है, टू वे ट्रैफिक ऑन ए टू लेन रोड एंड टू वे ट्रैफिक ऑन ए सिंगल लेन रोड। एज्यूम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.37 एंड रिएक्शन टाइम फॉर द ड्राइवर इज 2.5 सेकेंड। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। पहला टॉपिक हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट, आपको SSD के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज द SSD? SSD इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अभी हम लोग देखते जाते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट आपको जो क्लियरिटी रहना चाहिए अच्छे से कि व्हाट इज द SSD फॉर टू लेन रोड, या फिर हमारे पास क्या है टू वे सिंगल लेन रोड में हमारे पास क्या वैल्यू होगा। थर्ड है हमारे पास कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसका वैल्यू क्या होता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स रिएक्शन टाइम, ठीक है, रिएक्शन टाइम और फॉर्मूला। आज हमको ऐसा आपको हम फॉर्मूला बताएंगे स्टूडेंट्स कि उस फॉर्मूला को आपने यूज़ करना है, और मुझे नहीं लगता है उसके बाद में कोई भी दिक्कत रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले बात किया जाएगा स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, नेक्स्ट बात किया जाएगा सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। तो सबसे पहले हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या हमारे पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होता है स्टूडेंट्स, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, SSD इज आल्सो नॉन एज स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, SSD इज आल्सो नॉन एज नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है, एक तो ये हो गया हमारे पास। सेकेंड हमारे पास इज आल्सो नॉन एज एब्सोल्यूट साइट डिस्टेंस। तो जो एग्जाम में अभी तक हमसे क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स, वो इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। जैसे आप सभी को पता होगा जो OSD होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इट इज आल्सो नॉन एज पासिंग साइड डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं, ये आपने अब याद रखना है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है SSD नॉन पासिंग साइट डिस्टेंस, ओके, एंड इट इज आल्सो नॉन एज व्हाट, एब्सोल्यूट साइट डिस्टेंस। इस तरीके से भी हम लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है, SSD
व्हाट इज द, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एसएसडी, जो अगर हम लोग सिंपल सा देखना चाहें, सिंपल सा अगर हम लोग देखना चाहते हैं व्हाट इज द एसएसडी, समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। जो हमारे पास एसएसडी थोड़ा सा थ्योरी स्टूडेंट्स, एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे थोड़ा सा तो आपको बहुत हेल्प करेगा, आगे वाले क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग फॉर्मूलेज का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास जो एसएसडी है, एसएसडी को अगर समझने की कोशिश करते हैं लाइक दिस, इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास एक कार है, सर हमारे पास तो कुछ नहीं, अभी नहीं, जब आप इंजीनियर बन जाएंगे, जब आप जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे बच्चा, तब आपके पास क्या होगा, कार तो नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी खरीद लेता आजकल के समय में, और फिर आप तो इंजीनियर हैं, आप तो कोई भी कार खरीद सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। और ठीक, ये हमारे पास कार है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी हमारे पास स्टूडेंट्स ऑब्स्टकल है, दिस इज द ऑब्स्टकल, ठीक है। सपोज जैसे कि आंधी तूफान चल रहा है, कोई पेड़ गिर गया, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी में, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो बहुत स्लो मूविंग में, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये स्टेशनरी भी हो सकता है या फिर कोई स्लो मूविंग व्हीकल भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, एक ड्राइवर हमने यहाँ पे रखा है, बिठा के रखा है, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस देखिए, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं एसएसडी, मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मतलब इस व्हीकल का क्या है अपना, अभी ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, किसी भी वी डिजायर स्पीड से सपोज मूव कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये क्या करें, इससे टकराने से पहले जस्ट रुक जाए, तो वो कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं, क्लियर। अब इसके बारे में अगर आप डेफिनेशन थोड़ा सा लिखना चाहें, ठीक है, यहां पे हम लोग थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हमारा सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। द क्लियर विजिबल डिस्टेंस, ओके, द क्लियर विजिबल डिस्टेंस, द क्लियर विजिबल डिस्टेंस अहेड ऑफ ड्राइवर, अहेड ऑफ ड्राइवर किसके लिए चाहिए, टू स्टॉप द व्हीकल, टू स्टॉप द व्हीकल, ध्यान से देखिए, द क्लियर विजिबल डिस्टेंस अहेड ऑफ ड्राइवर टू स्टॉप द व्हीकल, जिस व्हीकल को ड्राइवर चला रहा है उसके पास एक सफिशियंट इतना डिस्टेंस रहे, अगर जैसे लैंडस्लाइड्स होते हैं कहीं पे भी, रोड या पत्थर कुछ आ जाता है, तो उसके पास इतना डिस्टेंस रहे कि वो व्हीकल को सेफली क्या कर पाए, रोक पाए, तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं, ऑन इमरजेंसी, ठीक है, ऑन इमरजेंसी, ऑन इमरजेंसी। अब जो एसएसडी है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एसएसडी को अगर आप देखना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, या फिर हम लोग और भी तरीके से कह सकते हैं, दिस इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस फॉर विच ऑल द रोड्स मस्ट बी डिजाइंड एज पर आईआरसी, आईआरसी 66 में दे रखा है कि जिसको हर रोड को इसके बेसिस पे क्या किया जाता है, स्टेंस डिजाइन किया जाता है। अब इसमें जो हमारे पास एसएसडी स्टेंस, यहां पे हमारे पास जो एसएसडी है, ये दो डिस्टेंस के बराबर होता है, एक होता है हमारे पास लेग डिस्टेंस, ओके, एंड सेकेंड वन इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, सेकेंड वन इज द ब्रेकिंग, हमारे पास कौन सा होता है, ब्रेक डिस्टेंस होता है, ब्रेक डिस्टेंस, ध्यान देखिएगा। अब हम लोग यहां पे फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज द लेग डिस्टेंस, लेग डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट इज द लेग डिस्टेंस, लेग डिस्टेंस हमारे पास होता है स्टूडेंट्स कि जो व्हीकल है, ध्यान समझिएगा, यहां पे देख रहे हैं हम लोग, जैसे हमारे पास ये व्हीकल है, अब ये व्हीकल जब क्या करेगा, जैसे हम लोग क्या है, जो ड्राइवर है वो सामने के सिचुएशंस को देखेगा, और देखने जैसे वो देखेगा, जैसे उसको सामने लगा कि यार कोई ऑब्स्टकल है, अगर मैं अपने गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो ये उसमें जाकर के क्या कर जाएगी, टकरा जाएगी, तो जितनी देर में ये सोच रहा है, जैसे इसको सामने से ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, जैसे आपके सामने आप कार चला रहे हैं और सामने से कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं एट ए टाइम तो ना ब्रेक लगाते, अभी आप सोच रहे हैं कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, जिस टाइम में आप सोच रहे हैं उस टाइम में जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज द लैग डिस्टेंस, और जब आप ब्रेक अप्लाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स आप 100% इफिशियंसी का थोड़ा ना ब्रेक अप्लाइड करते हैं, ब्रेक अप्लाइड करने के बाद भी जो व्हीकल होता है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस को क्या करता है, कवर अप करता है,
जो आफ्टर ब्रेक ऑफ ब्रेकिंग के बाद जो डिस्टेंस क्या किया गया, कवर किया गया बाय एन ऑब्जेक्ट या बाय एन व्हीकल, दैट इज नोन एज द ब्रेक डिस्टेंस। क्लियर पॉइंट? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये क्या करेगा, यहां से लेकर के ध्यान देखिए, पहले ये क्या करेगा, यहां से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां तक इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दिस डिस्टेंस इज द लैग डिस्टेंस। मतलब लैग डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जिस टाइम में आप सोच रहे हैं कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उस टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल है दैट इज द ब्रेक डिस्टेंस। और जिस टाइम में आपने ब्रेक अप्लाई किया स्टेंस, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज द ब्रेक डिस्टेंस। ओके, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ब्रेक डिस्टेंस कहेंगे। ओके, ये हमारे पास हो गया SSD, इट इज द समिशन ऑफ लैग डिस्टेंस प्लस क्या होगा, ब्रेक डिस्टेंस होगा। अब बताइए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू, अब आप सभी ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, सर हम लोगों को पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब ध्यान से देखिए माय डियर, व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इज द वी, वी इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल, ये डिजाइन स्पीड भी हो सकता है या जो भी स्पीड है, वी इज द डिजाइन स्पीड, मल्टीप्लाई में क्या है टाइम, टाइम इज द टी आर, प्लीज रिमेंबर। अब व्हाट इज द टी आर, टी आर मतलब क्या है, यहां पे रिएक्शन टाइम, टी इज द रिएक्शन टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टी इज द रिएक्शन टाइम। अब जो रिएक्शन टाइम हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स, ध्यान देखिए, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन, जैसे कि इट डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट है हमारे पास जैसे कि एज, एज ऑफ द ड्राइवर। आपने देखा अक्सर जो थोड़े लेजी रहते हैं वो व्हीकल्स को सही से कवर नहीं कर पाते और जाकर के ठोक देते हैं। सेकेंड पॉइंट इज द सेक्स, जैसे कि एक लेडीज है और एक जेंट्स है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इफेक्ट रहता है, हम ये नहीं कहेंगे कि होता है, नहीं, लिटिल बिट डिफेक्ट मतलब इफेक्ट होता, सॉरी, कि वहां पे थोड़ा सा मतलब एक जल्दी से डर जाना सिचुएशंस को देख करके। सेकेंड हमारे पास डिपेंड करता है स्टूडेंट्स अलर्टनेस, कि आप उस टाइम पे कितने अलर्ट हैं। सेकेंड पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज द विजुअल एक्टिविटीज, कि आप कितना देख पा रहे हैं जो भी एक्टिविटीज हो रही है सामने। नेक्स्ट है हमारे पास एटमोस्फियर, उस टाइम पे एटमोस्फियर कैसा है, विजिबिलिटी कैसा है, एंड व्हीकल्स डिजाइन स्पीड, ठीक है ना, व्हीकल डिजाइन स्पीड, बहुत सारे क्या है, व्हीकल डिजाइन स्पीड, साइज एंड द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे क्या करता है हमारे व्हीकल जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना, ध्यान देना है, तो इट डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट जैसे हमारे पास हो गया एज, ओके, सेकेंड जैसे अगर हम लोग बात करते स्टूडेंट्स यहां पे सेक्स, थर्ड अगर हम लोग यहां पे बात करते तो अलर्टनेस, अलर्टनेस, फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे तो विजिबिलिटी, ठीक है, विजिबिलिटी कह सकते हैं हम लोग, या फिर विजुअल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, विजुअल एक्टिविटीज। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास डिजाइन स्पीड, स्पीड ऑफ द व्हीकल, डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास साइज ऑफ द व्हीकल, साइज एंड शेप ऑफ द व्हीकल, दीज आर द फैक्टर। बट जो मेन फैक्टर है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो हमारे पास होता है परसेप्शन टाइम, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जिस पे डिपेंड्स कर रहा है, बट जो बेस्ड है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम इज बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन विच थ्योरी, बेस्ड ऑन विच थ्योरी, ये काफी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर, यहां पे होता है PIEV, काफी बार इसका डेफिनेशन भी पूछा जाता है, सॉरी फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIEV, पीप थ्योरी, ठीक है, पीप थ्योरी पे डिपेंड करता है माय डियर, प्लीज रिमेंबर, व्हाट इज द पीव, PIEV, व्हाट इज द पीव। अब इसमें आपने क्या करना है, एक एक पॉइंट को समझते चलिए, व्हाट इज द पी, व्हाट इज द आई, ठीक है ना,
व्हाट इज द आई, जैसे पी हो गया, व्हाट इज द आई इंटलेक्शन, व्हाट इज द ई इमोशन, व्हाट इज द वी वॉल्यूशन। इन सभी फैक्टर्स पे क्या करता है रिएक्शन टाइम, क्या करते हैं डिपेंड करता है रिएक्शन टाइम इज डिपेंड ऑन विच फैक्टर्स, परसेप्शन। पहला हमारे पास स्टेंस परसेप्शन, परसेप्शन। सेकंड है इंटलेक्शन, ठीक है, ये हमारे पास है इंटलेक्शन, इंटलेक्शन। थर्ड है इमोशन, इमोशन। और फोर्थ है हमारे पास स्टूडेंट वॉल्यूशन, वॉल्यूशन। ये हमारे पास है पॉइंट्स। अब परसेप्शन यहां पे क्या वर्क हो रहा है, ध्यान से देखिए, सारा वर्क किसका स्टूडेंट माइंड का है। सिचुएशंस क्या कर रहे हैं, जैसे आंख देख रही है किसी सिचुएशन को, वो क्या कर रहा है एक मैसेज सेंड कर रहा है ब्रेन को। फिर ब्रेन क्या कर रहा है, उसको रीड कर रहा है, समझ रहा है। फिर ब्रेक्स, जो ब्रेन है वो क्या करेगा, मतलब ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए बोलेगा। और आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। तो ये सारा काम करने में एज पर आईआरसी हमको 2.5 सेकंड्स लगता है, ठीक है। तो पहला हमारे पास स्टूडेंट परसेप्शन, तो यहां पे कहेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू सी, टाइम रिक्वायर्ड टू सी एन ऑब्जेक्ट। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टाइम रिक्वायर्ड टू सी एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में कितना टाइम लग रहा है। ये किसका काम है, ये आईज का काम है। हम लोग यहां पे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, दिस इज द वर्क फॉर आईज। जो आई है वो यहां पे क्या कर रहा है, काम कर रहा, फंक्शन ऑफ आई और ईयर्स। तो हम लोग यहां पे इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में, फंक्शन ऑफ आई और एंड ईयर्स, मतलब कान का है, उसको सिचुएशन दिखाई दिया या सुनाई दिया। अब इंटलेक्शन इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल सा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। ये हमारे पास क्या हो गया, परसेप्शन। ये किसका है, फंक्शन ऑफ द ब्रेन। कौन समझेगा प्रॉब्लम कहां पे है, फंक्शन ऑफ द ब्रेन, फंक्शन ऑफ ब्रेन बोलते हैं ना लोग, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या, इसका मतलब क्या है, फंक्शन का है जो अंडरस्टैंडिंग करता है सिचुएशन को। थर्ड स्टेंस हमारे पास इमोशन, इसका मतलब क्या हो गया, टाइम रिक्वायर्ड टू रिएक्ट टू द सिचुएशन, टाइम इसमें हम लोग लिखेंगे स्टेंस, इसमें हम लोग लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू रिएक्ट द सिचुएशन। और नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स वॉल्यूशन, वॉल्यूशन का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड, यहां पे होता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। बस ये हमारे पास है। तो टोटल टाइम जो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वलेंट आता है, जो टी आर, ध्यान देखिए, टी आर इक्वल टू 2.5 सेकेंड एज पर स्टूडेंट्स आईआरसी। ये सारे डाटा आपको याद रहना चाहिए, एज पर आईआरसी कितना होता है, टी आर का वैल्यू, टी आर इक्वल 2.5 सेकेंड एज पर आईआरसी, ठीक है। टी आर इज द रिएक्शन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन दीज आल्सो फैक्टर्स। मेन तो ये तो है, ये थ्योरी तो है ही है, परंतु इन सब पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे 2.5 हमने जो टाइम लिया, आपके माइंड में आएगा ना सर हाउ कैसे, तो और भी क्या, एज पे डिपेंड नहीं करता है, सेक्स पे, विजुअल एक्टिविटीज है, एटमोसफेयर कंडीशन है, डिजाइन स्पीड है, साइज है, इन सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। बट जो थ्योरी दी गई थी वो थ्योरी हमारे पास है स्टूडेंट्स, पीव थ्योरी, PIEV पीव थ्योरी। काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इन पीव थ्योरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी, तो आप कह सकते हैं पी इज द परसेप्शन, इट मीन्स व्हाट टाइम रिक्वायर्ड टू सी एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में जो टाइम लगा। दूसरा हमारे पास है आई मतलब है इंटलेक्शन, इसमें होता है टाइम रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन सामने हो रही है उसको समझना है, रीड करना है। ई मतलब हो गया इमोशन, टाइम रिक्वायर्ड टू रिएक्ट द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उसको रिएक्ट करने में जो टाइम लगता है। और वी मतलब वॉल्यूशन, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, ब्रेन ने क्या कर दिया है उसको ओबे, ठीक है ना, यहाँ पे है ओबे द ब्रेन, फंक्शन ऑफ द हैंड्स और लेग,
जो हमारे पास यहाँ पे है वॉल्यूशन में, यहाँ पे किसका वर्क है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ द लेग्स और हैंड का क्या है, काम है। तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल आईआरसी रिकमांड करता है वो कितना आता है स्टूडेंट्स, 2.5 सेकंड आता है। अब प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक और हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है प्लीज इसको आपने क्लियरली समझना है। जो लेग डिस्टेंस है यहाँ पे जो वी है स्टूडेंट, जब भी हम लोग स्मॉल वी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड में लिखते हैं, और टाइम जो है बच्चों ये हमारे पास क्या है सेकेंड में। अगर हम लोग इसको किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट 0.278 वी इंटू टी आर। अब आप कहेंगे सर ये वैल्यू कैसे आता है, सिंपली यार आप सभी को पता है अगर हमारे को क्या दे रखा है, वी किस में दे रखा है, मीटर पर सेकेंड में दे रखा है, सॉरी एक मिनट ध्यान देखें, हमको वी किस में दे रखा है, हमको क्या दे रखा है वी, अगर किस में दे रखा है किलोमीटर में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। अगर आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, सिंपली ये हमारे पास हो जाएगा v मीटर पर सेकंड इक्वल टू सिंपल सा क्या आ जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारे पास 5/18 और क्या आ जाएगा हमारे पास किलोमीटर पर आवर। मतलब जो हमारे पास v है उसको आप किस में पुट कर दीजिए, डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में पुट कर दीजिए, तो आपको v का क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.278, ठीक है, तो कितना 0.278 के ही अप्रोक्सीमेट आता है। तो इस तरीके से हमारे पास डिस्टेंस हो गया लेग डिस्टेंस इक्वल टू 0.278 वी इंटू टी आर, ये हमारे पास पूरा किसका हो गया, ये हमारे पास है ब्रेक सॉरी लेग डिस्टेंस का, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं डिस्टेंस, नेक्स्ट वन इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस बिल्कुल सिंपल सा है, देख लीजिए थोड़ा सा बस, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद जितना भी है सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा प्रॉपर वे में। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस जो सिंपल सा डिस्टेंस, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, द डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द व्हीकल टू स्टॉप कंप्लीटली, ब्रेक तो अप्लाई कर दिए तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसको क्या करने के लिए, कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट डिस्टेंस इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारे पास होता है। इट कैन बी एनालाइज्ड, यहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या हमारे पास चेंज इन एनर्जी होता है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल जो यूज कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे टोटल वर्क डन इज व्हाट, चेंज इन। अब देखिए एनर्जी, एनर्जी कौन सा एनर्जी होगा, वहां पे व्हीकल मूव कर रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास छोटा सा एक क्या होता है, डेरिवेशन होता है। अब वर्क डन किसके कारण हो रहा है, बताओ वर्क डन किसके कारण हो रहा है, सर वर्क डन हो रहा है क्योंकि वहां पे अब एक फ्रिक्शन फोर्स आ गया है। आप जैसे क्या कर रहे हैं, ब्रेक्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो वर्क हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। तो वो हमारे पास क्या आएगा सर, वो हमारे पास सिंपल सा है, ये हो जाएगा हमारे पास वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे स्ट्रेंस एफ इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे डब्लू, और इनटू क्या आएगा हमारे पास एल, ठीक है, इक्वल टू जो हमारे पास क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा 1/2 m। अब काइनेटिक एनर्जी में हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं स्ट्रेंस, फाइनल माइनस क्या आएगा, फाइनल वी फाइनल माइनस क्या आ जाएगा, वी इनिशियल का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब आपको पता है कि वी एफ का जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, जीरो है। अब आप कहेंगे सर हाउ, क्योंकि व्हीकल को कंप्लीटली स्टॉप कर दिया गया, इट मींस व्हाट, इसका मतलब हो गया 1/2 m, ये क्या हो गया स्टूडेंट, वी आई का होल स्क्वायर, इट इज इक्वलेंट व्हाट, एफ डब्ल्यू इंटू क्या जाएगा एल। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम लोगों को पता क्या करना है, हम लोगों को पता करना है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना, हमको क्या पता करना है, हमको ये डिस्टेंस पता करना है। तो सिंपली देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे हो गया F, व्हाट इज द W, W इज द वेट ऑफ द व्हीकल इक्वल टू L 1/2। अब आप सभी को पता है W इक्वल टू क्या होता है, वेट इक्वल टू M इंटू J, तो व्हाट इज द M, M इक्वल टू W/g, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा बच्चों W/g इंटू V का स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, V का स्मॉल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एक W से एक W कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज द L, L मतलब हो गया यहाँ पे स्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस इज व्हाट,
ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल टू एल इक्वल टू 1/2 या हम लोग लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन 2g और हमारे पास क्या आ जाएगा स्ट्रेंस एफ होगा। अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट आपने याद रखने स्ट्रेंस, व्हाट इज द वी, वी इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है ना, स्पीड ऑफ व्हीकल, ओके। एंड एफ इक्वल टू हमारे यहाँ पर क्या है, कोफिशियंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, ओके, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, ठीक है। और जो हमारे पास वी हो गया, एफ हो गया, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें हो गई। एक तो हमारे पास डिस्टेंस ये हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल बी, मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो व्हाट इज द एसएसडी, एसएसडी इक्वल टू हो गया सर वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इंटू क्या आ जाएगा एफ, 2gf, ये हमारे पास फॉर्मूला है, प्लीज रिमेंबर। अगर हम लोग क्या करते हैं, v को चेंज कर देते हैं, जैसे v को हम लोग किलोमीटर पर आवर में देखते हैं, ठीक है, v को अगर हम लोग किस में देखते हैं, अगर हम लोग v को किलोमीटर पर आवर में पुट करते हैं, ना कि मीटर पर सेकंड, जनरली हमको v किस में देखा होता है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 0.278 v का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा 2g और क्या होगा एफ। यहाँ पे जब सारी वैल्यू पुट करते हैं स्ट्रेंथ हम लोग, सारी वैल्यू मतलब जैसे जी का वैल्यू कितना होता है हमारे पास 9.81, ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये ऑलरेडी क्या है, इसको जब सॉल्व करेंगे स्ट्रेंस तो यहाँ से हमारे को रिजल्ट आता है 254 और क्या होता है हमारे पास एफ के इक्वलेंट होता है। तो प्लीज़ रिमेंबर, अब आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिल जा रहे हैं। तो एक हमारे पास एसएसडी का फॉर्मूला कौन सा आएगा, एसएसडी इक्वल टू आ जाएगा 0.278 वी इंटू टी आर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन 254 इंटू क्या आएगा एफ आएगा, ठीक है। ये कब है, जब आपको कोई भी क्या नहीं दे रखा है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी नहीं दे रखा है, जब आपको कोई भी ग्रेडियंट नहीं दे रखा है, अगर स्ट्रेंथ अगर हम लोग इन केस ऑफ द ग्रेडियंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोड है इस तरीके से और अब इस तरीके से कोई क्या है ग्रेडियंट है, ठीक है, दिस इज द अप ग्रेडियंट, दिस इज द अप ग्रेडियंट, हाँ, और ये हमारे पास क्या स्ट्रेंथ डाउन ग्रेडियंट लाइक दिस, इस तरीके से है। तो इन दिस केस अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट में हम लोग कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं स्ट्रेंथ, प्लीज रिमेंबर। एक मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आपने इसी फॉर्मूले को हमेशा क्या करना है, यूज़ करना है, देखे कैसे। ये हो जाएगा एस एस डी इक्वल टू 0.278 वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास नीटा एफ प्लस माइनस और ये क्या आएगा जी में हमारे पास वैल्यू आएगा, ठीक है, परसेंटेज में नहीं ले रहे हैं, जैसे हमारे पास 2% है तो मतलब उस वैल्यू को किस में ले रहे हैं, पॉइंट्स में ले रहे हैं। स्ट्रेंथ ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान देखिए, प्लस साइन यूज्ड फॉर किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, अपवर्ड ग्रेडियंट, ध्यान देखते चलिए, अपवर्ड ग्रेडियंट। माइनस साइन जो हम लोग यूज कर रहे हैं स्ट्रेंथ, माइनस साइन यूज्ड फॉर डाउनवर्ड ग्रेडियंट। अब डाउनवर्ड ग्रेडियंट किधर आएगा, दिस इज द डाउनवर्ड ग्रेडियंट, ठीक है, ये इधर डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, इधर अपवर्ड, इधर हम लोग अपवर्ड है ना, दिस इज द अपवर्ड, ओके, एंड दिस वन इज द डाउनवर्ड। अब बताओ एसएसडी का वैल्यू किधर ज्यादा होता है, इन केस ऑफ द अपवर्ड या इन केस ऑफ द डाउनवर्ड, कि सर जो हमारे पास ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि जब आप यहां पे प्लस का साइन लेंगे तो बताओ ये पूरा रिजल्टेड ये वाला वैल्यू क्या जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अगर ये ज्यादा होगा तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इन केस ऑफ द अपवर्ड ग्रेडियंट एसएसडी का वैल्यू क्या आता है, स्ट्रेंथ कम आता है कंपेयर टू डाउनवर्ड ग्रेडियंट, क्योंकि डाउनवर्ड ग्रेडियंट में क्या है माइनस, तो माइनस कम करने से ये ज्यादा आता है। और यहाँ पे जो व्हाट इज द नीटर, दिस इज द ब्रेक इफिशियंसी, अगर आपको क्वेश्चन में ब्रेक इफिशियंसी गिवन कर रखा है तो आप क्या करिए, उस ब्रेक इफिशियंसी को कोफिशियंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन के साथ मल्टीप्लाई करिए। अगर ग्रेडियंट दे रखा है तो ग्रेडियंट अगर अपवर्ड है तो प्लस में और अगर डाउनवर्ड है तो माइनस में यहाँ पे पुट करिए। वी इज द डिजाइन स्पीड, टी आर इज द रिएक्शन टाइम इज ऑलरेडी गिवन, व्हाट इज दिस स्ट्रेंथ, ये हमारे पास होता है रिएक्शन टाइम, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है अब हमको थ्योरी नहीं पढ़ना है, थ्योरी हमने पढ़ लिया जितना जरूरी है हमारे को, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम टी आर ये इतना है हमारे पास 2.5 सेकेंड है, बस ओनली पुट ऑल द फॉर्मूलाज, बाकी एफ आपको पता ही है, एफ क्या है कोफिशियंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, जी इज द ग्रेडियंट,
प्लस साइन फॉर अपवर्ड ग्रेडियंट, माइनस साइन इज द डाउनवर्ड ग्रेडियंट के लिए होता है। अगर हमारे को जैसे सपोज 50%, 40%, 60% ब्रेक इफिशियंसी दे रखा, तो उसको हम लोग एफ के साथ क्या करके चलते हैं, मल्टीप्लाई करके हम लोग चलते हैं। तो जनरली आपने ध्यान देना है, जैसे अगर हमारे पास स्पीड इंक्रीज होगा तो एफ का वैल्यू क्या होगा, सॉरी एक मिनट हम लोग इसको बता देते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ टेबल्स हैं, दो ध्यान देखिए, हमारे पास एक ये टेबल दे रखा है स्टूडेंट्स, ये हमारे को दे रखा है कोफिशियंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, जो अभी हम लोगों ने पता किया एफ, एज पर IRC ये हमारे पास है एफ, एफ मतलब हो गया कोफिशियंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको थोड़ा थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी, अगर थ्योरी आए तो थ्योरी लिख सकते हैं। ध्यान देखिए, एज पर IRC ये टेबल हमारे को गिवन कर रखा है स्टूडेंट, जैसे स्पीड दे रखा है, अगर स्पीड 20-30 है तो लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, 0.40 होगा। अगर हमारे को स्पीड क्या दे रखा है 40 दे रखा, 0.38, अगर 50 है तो 0.37, 60 है तो 0.36, और हमारे पास क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.35। ये हम लोग कब लेके चलेंगे, जब अगर वो लिख के देता है अज्यूम डाटा एज पर द IRC। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में स्पीड दे दिया 60 किलोमीटर, अब किसी बच्चे ने, अब आप सभी को पता है जो एफ है इसका वैल्यू क्या करता है चेंज कर, रेंज है इसका 0.35 to 0.40 के बीच में, इसका वैल्यू क्या करता है लाई करता है, एफ लाइज फ्रॉम 0.35 to 0.40 के बीच में, जो एफ का वैल्यू है वो क्या करता है लाइज करता है। अब आपने ध्यान देना कि क्वेश्चन में स्पीड क्या दे रखा है, जैसे सपोज 60 दे रखा है तो व्हाट इज द एफ, एफ का वैल्यू 0.36 लेना पड़ेगा, दिस इज द करेक्ट डाटा, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास TR है, TR का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास फिक्स है, ठीक है। अब एक टेबल ये स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर आपको सिर्फ डिजाइन स्पीड गिवन कर रखा है कि आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिजाइन स्पीड, मतलब 50 डिजाइन स्पीड के लिए व्हाट इज द SSD फॉर डिजाइन पर्पज, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, वो कितना आएगा हमारे पास 60 मीटर के इक्वलेंट आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। ध्यान देना है कि जो यहाँ पे एफ का वैल्यू है, एफ इज द कोफिशियंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, इट्स वैल्यू इज लाई फ्रॉम, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0.3 to 0.4 के बीच में लाई कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोफिशियंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्पीड, क्या कह रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम लोग क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, पॉइंट इज दिस, स्पीड इंक्रीजेस, अगर आप स्पीड को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर रहे हैं, स्पीड इंक्रीजेस, तो हम लोग क्या कहेंगे एफ, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज डिक्रीजेस। हाँ देख पा रहे हैं आप कैसे, जैसे देखिए स्पीड हम लोग यहाँ पे 20-30, 40-50, 60-80, मोर देन 80 इस तरीके से जा रहे हैं, तो एफ का वैल्यू क्या करता जा रहा है स्टूडेंट्स, डिक्रीज होते हुए जा रहा है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, एज पर IRC, ठीक है ना, एज पर IRC जो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत कम लोगों को पता रहता है, मतलब स्टूडेंट्स को ना के बराबर पता रहता है, जो एज पर IRC है स्टूडेंट्स, IRC रिकमांड, ठीक है ना, IRC रिकमांडेड एफ वैल्यूज, ठीक है ना, एफ वैल्यूज इज बेस्ड ऑन 50% ब्रेक इफिशियंसी, मतलब जो यहां पे एफ का वैल्यू लिया गया है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन का, यहां पे हमने 50% ब्रेक इफिशियंसी को कंसीडर करके इस वैल्यू को कंसीडर किया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एफ वैल्यू, ठीक है ना, एफ वैल्यू इज डिपेंड ऑन, ध्यान देखिए, इज डिपेंड ऑन विच फैक्टर्स, किस किस पे स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है, तो पहला हमारे पास हो जाएगा स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, यस और नो, स्पीड का क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शन। सेकेंड वन इज द टायर प्रेशर, थर्ड वन इज द रोड सरफेस, किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज द कंडीशन ऑफ टायर, टाइप एंड कंडीशन ऑफ पेमेंट, ठीक है, जनरली इस पे तो डिपेंड करता है टाइप कंडीशन ऑफ टायर, ठीक है ना, कंडीशन ऑफ टायर पे हम क्या करता है डिपेंड करता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन ऑफ टायर, कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं
आपको बहुत हेल्प मिलेगा इन टॉपिकों को पढ़िए। किसी को लगता होगा कि बोरिंग है, जो स्टूडेंट सीरियस होता है उसको एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए बोरिंग नहीं होता बेटा। बोरिंग तो अभी आपको लगेगा ना, जब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना कि एफ वैल्यूज डिपेंड्स ऑन, तो आपके माइंड में तो एक ही वैल्यू चल रहा है ना यार, इट्स वैल्यूज लाइज फ्रॉम 0.35 टू 0.40, उसके बाद क्या चलता है, पॉइंट इज दिस। तो जब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आए, जब हम लोग एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्व 20 क्वेश्चंस यूट्यूब पे ही होगा, तो आपको वहाँ पे बताएंगे कि देखिए कैसे कैसे इन पॉइंटों को पढ़ाएं। ज्योमेट्रिक डिजाइन का ही मतलब क्या है, हाईवे है, इतना आप मान करके चलिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको उस तरीके से हमने, हम लोगों का जो भी बच्चा पढ़ता है, हम लोगों को उनको इस तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं कि उनको आगे चल के कंपटीशन के लिए इधर उधर पढ़ना ना पड़े। जो बच्चा थर्ड सेमेस्टर से पढ़ रहा है और कोई सिक्स सेमेस्टर में आएगा और वो सोचेगा तो यार थोड़ा सा मुश्किल है। और स्पेशली अगर कोई बच्चा ऑफलाइन आता है, उसमें थोड़ा सा क्या होता है, फिजिकली अपेयरेंस रहता है, पता चलता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में थोड़ा सा डिपेंडेंसी रहता है, बच्चे पे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, वो बच्चे पे खुद पे डिपेंड करता है। पर ऑफलाइन में उसको पूछेंगे ना, भाई आज आप क्लास क्यों नहीं आए, क्या दिक्कत थी, चलिए इसको दोबारा पढ़िए। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा समझाना पड़ेगा। ऑनलाइन में कितनी बारी बच्चा पूछता नहीं है कि सर क्या सोचेंगे, ऐसी दिक्कतें होती हैं थोड़ा सा। तो मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चा ऑफलाइन है और ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, तो यार उसका तो मज़ा ही अलग है। थर्ड सेमेस्टर से सिक्स सेमेस्टर तक उसको इस तरीके से ट्रेंड कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स, आप विश्वास नहीं करेंगे उसको कभी जीवन में कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ये तो थोड़ा बात हो गई बेकार वाली, काम पे आते हैं। ये सारा पॉइंट्स आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक। ये टेबल भी आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इस स्पीड के लिए बताइए, कुछ भी डाटा नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको स्पीड दे दिया गया है, डिजाइन स्पीड, तो बताइए इसके लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू क्या रही होगी। तो आप कहेंगे सर 60 मीटर रहेगी डायरेक्ट, क्योंकि टेबल याद रहना चाहिए, ये वाला टेबल आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स थे जो आपको क्या रहने चाहिए थे, याद रहने चाहिए थे। एक पॉइंट और भी रहता है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे, जो साइट डिस्टेंस अवेलेबल ऑन ए रोड, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान देना, फोर साइट डिस्टेंस, ठीक है ना, एक पॉइंट और आप ध्यान देना स्टूडेंट्स, फोर साइट मतलब स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, फोर SSD हाइट ऑफ द ड्राइवर आई, हाइट ऑफ द ड्राइवर आई इज व्हाट, 1.2 meter, ओके स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है 0.15 meter। ये दोनों क्वेश्चन हमसे काफी बार पूछे गए हैं। चलिए अब एक लास्ट रहता है स्टूडेंट्स, जो हमको क्या रखना है, याद रखना है, वो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन है, ट्रैफिक कंडीशन। इधर लिखेंगे हम लोग ट्रैफिक कंडीशन, ट्रैफिक कंडीशन, और इधर लिखा जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, सेफ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, सेफ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। ध्यान देखिए, सेफ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रैफिक कंडीशन कैसा है स्टूडेंट, सिंगल लेन वन वे, मतलब सिंगल लेन है, सिंगल लेन वन वे, वन वे। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, सिंगल लेन वन वे का मतलब एक ही लेन है और आप एक ही तरफ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इस केस में जो सेफ SSD है वो किसके इक्वलेंट होगा, जो वैल्यू आपका SSD का आएगा वो उसी के ही इक्वलेंट होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास सिंगल लेन टू वे, ठीक है, सिंगल लेन टू वे। इसका मतलब क्या है, देखिए समझाता हूं मैं आपको। इसमें हो जाएगा SSD1 + SSD2, और ये इक्वल टू क्या होता है, कभी कभी टू टाइम्स ऑफ SSD। अगर दोनों व्हीकल्स का आमने सामने से जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनका स्पीड सेम है, सबको सेम है, तो ये SSD1 SSD2 इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ SSD के इक्वलेंट होता है। अब देखिए ध्यान से कैसे, जैसे सपोज दिस इज द सिंगल लेन, दिस इज द सिंगल लेन, और यहाँ पे एक व्हीकल है हमारे पास स्टूडेंट्स लाइक दिस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास व्हीकल स्टूडेंट्स लाइक है इस तरीके का, इस तरीके का, ये व्हीकल इस डायरेक्शन में, ये व्हीकल इस डायरेक्शन में, सिंगल लेन। इसका मतलब हो गया टू वे, उधर से भी व्हीकल आ रहा है, इधर से भी व्हीकल जा रहा है, मतलब टू वे।
इधर से भी उधर से भी जा रहा है, तो इस केस में इसके पास अपना क्या रहेगा, एसएसडी रहेगा, इसके पास अपना एसएसडी रहेगा, इसीलिए हमारे पास ये है। इस केस में अगर आप देखना चाहेंगे, दिस इज द सिंगल लेन, ठीक है ना, इस तरह का सिंगल लेन, ये हमारे पास क्या स्पीड, ये इस तरीके से बेचारा अकेला निकल जा रहा है, तो इसके पास अपना क्या होगा, सेफ एसएसडी होगा। नेक्स्ट है टू लेन टू वे, टू लेन टू वे। अब टू लेन टू वे का मतलब क्या है स्टूडेंट, ध्यान देखें, टू लेन टू वे मतलब ये वाला व्हीकल यहां पे क्या है, जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इट इज इक्वलेंट एसएसडी। हाउ, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट टू लेन, एक व्हीकल क्या है इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, और दूसरा जो हमारे पास व्हीकल स्टेंस वो इस तरीके से इधर जा रहा है। अब देखिए ध्यान से, ये व्हीकल अपना इस लेन से पास करेगा, इसको कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं मिला ना, और इस वाले व्हीकल को भी कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं मिला है, इसके लिए इस केस में जो सेफ एसएसडी होगा वो एसएसडी के ही क्या होता है, इक्वलेंट होता है। नेक्स्ट स्टेंस मोर देन टू लेन, अगर मोर देन टू लेन जैसे थ्री लेन है तो उस केस में जो सेफ एसएसडी होता है स्टूडेंट्स वो भी किसके इक्वलेंट होता है, एसएसडी के ही इक्वलेंट होता है। आई थिंक दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दिस टेबल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स आपको क्या होना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए। उससे पहले हमने स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला, दिस इज द वेरी स्टैंडर्ड फार्मूला, इस फॉर्मूले को हमने यूज़ करना हर बार, इसी में से हम लोग चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमने जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया, दिस इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस, कैसे फाइंड किया, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, v स्क्वायर होता है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यस नेगेटिव आ रहा है, क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए नेगेटिव आता है यहाँ पे वर्क जो है, यहाँ पे जो नेगेटिव होगा हम लोग यहाँ पे नेगेटिव होगा, एक्चुअल में ये भी क्या होता है, नेगेटिव है फ्रिक्शन के कारण, तो नेगेटिव से नेगेटिव क्या होता है, यहाँ पे कैंसिल हो जाता है एक्चुअल में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, डेरिवेशन आए तो आप कर सकते हैं। उसके पहले आपको यहाँ पे पूरा समझा दिया गया कि परसेप्शन क्या होता है, ठीक है ना, एकदम प्रॉपर वे में एक एक पॉइंट को, उससे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स फिर से हम लोग अपने उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सब कुछ गिवन कर रखा है, ईच एंड एवरीथिंग गिवन कर रखा है, तो सबसे पहला काम क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट वर्क, सर पहला काम है हमारे को किसका वैल्यू पता करना, एसएसडी का, एसएसडी इक्वल टू क्या है, 0.278 वी इंटू टी आर प्लस। अब आप ध्यान से देखिए, इस केस में ना तो आपको ग्रेडियंट दे रखा है कि अप ग्रेडियंट है डाउन ग्रेडियंट है, ना ही आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी दे रखा है, तो सिंपली वी यूज दिस फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन 254 मल्टीप्लाई में एफ, ठीक है, दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, वी सिंपली यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, हम लोग सिंपल सा इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0. ध्यान देखिए, ये हमारे पास क्या दे रखा है, 0.278 वी इंटू टी आर, ठीक है, 0.278 वी, वी का वैल्यू कितना दे दिया स्टूडेंट्स, 50 दिया ना, 50 kmph, मल्टीप्लाई में टी आर इज ऑलरेडी गिवन, यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 2.5 सेकेंड, प्लस में क्या आएगा 50 का होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या आएगा बच्चों 254 मल्टीप्लाई में एफ, एफ का वैल्यू कितना देगा 0.37। अब आप ध्यान देखिए, यहाँ पे 0.37 दे रखा है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कितना दे रखा है 50, हम अपने टेबल में चेक करते हैं क्या आता है, जो हम लोगों ने टेबल बनाया था स्टूडेंट्स उसमें चेक करते हैं, देखिए 50 पे कितना दे रखा है 0.37 दे रखा है। आपको याद रखना पड़ेगा इस टेबल को, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर लाना है तो ये टेबल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इसलिए देखिए यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करो बच्चों, कैलकुलेशन के लिए आपके पास क्या ऑलरेडी कैलकुलेटर है, हमारे पास भी कैलकुलेटर है, तो सॉल्व करिए स्टूडेंट जल्दी से फास्ट, देखते हैं क्या आंसर आता है। क्या है स्टूडेंट, 0.278 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई में 2.5, सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स आता है 34.75, प्लीज़ आप भी सॉल्व करिएगा प्लस में। अब इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, 50 का होल स्क्वायर 2500, डिवाइड में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है 254 मल्टीप्लाई में 0.37,
सॉल्व इसको जब कर रहे हैं तो ये वैल्यू आता है हमारे पास 26.60। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टेंस तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए ये रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस कर दीजिए इसमें हाउ मच 34.70। सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स ये आंसर आ रहा है 61.30 मीटर। दिस इज द SSD, दिस इज द SSD जो हमने फॉर्मूला अभी तक बोला उसी फॉर्मूले को हमने यूज़ किया। SSD इक्वल टू 0.278 V इंटू TR प्लस V स्क्वायर अपॉन 254F, सारा कुछ गिवन कर रखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, टू वे ट्रैफिक ऑन ए सिंगल लेन रोड, टू वे ट्रैफिक ऑन ए टू लेन रोड सॉरी। तो इस केस में बताइए क्या आएगा टू वे। अभी हम लोगों ने जो टेबल बनाया उसमें देखिए ध्यान से, टेबल में जो हमने बनाया है आपको वही चीज़ें समझाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा हमारे को, टू लेन टू वे में जो सेफ SSD होता है, जो हमने वैल्यू फाइंड किया है उसी के ही क्या आएगा, इक्वलेंट आएगा। तो सॉल्व इट, क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे वैल्यू जो आएगा इन दिस केस वो हमारे पास क्या जाएगा, सेफ SSD। तो क्या बच्चों, सेफ SSD क्या होगा, चलिए हम लोग एक पेज ले लेते हैं नेक्स्ट, सेफ SSD इन केस ऑफ टू लेन टू वे में क्या आता है स्टूडेंट्स, वो SSD के ही इक्वलेंट होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 61.30 मीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकंड देखिए, सेकंड क्या हमारे पास, टू वे ट्रैफिक ऑन ए सिंगल लेन रोड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू वे ट्रैफिक ऑन ए सिंगल लेन रोड कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, दिस इज व्हाट, टू टाइम्स ऑफ द SSD। तो ये कितना जाएगा, टू मल्टीप्लाई में 61.30, तो सॉल्व करने पे आएगा 0, 3, 2, 6, 2, 122, ये हो जाएगा मीटर। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज दिस। आज के क्वेश्चन में हमने समझा स्टूडेंट्स, पहला का हमारे पास आएगा ए केस का आंसर और बी का आंसर क्या आएगा इसमें 122.60 मीटर। आज हमने पूरा प्रॉपर वे में समझा, हम लोग अब दोबारा से एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था स्टूडेंट्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें हम थ्योरी नहीं करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इस तरीके से था। सबसे पहले हम लोगों ने समझा यार SSD को क्या बोलते हैं, नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस या एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिएक्शन टाइम, हमने तीनों को समझा प्रॉपर वे में समझा, ठीक है। SSD इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, SSD होता है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट ध्यान देखिए, ये हम लोगों ने आंसर्स फाइंड किए यहाँ पे। उसके बाद में हमने सबसे पहले समझा व्हाट इज़ द SSD, ये जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये किसका डेफिनेशन, ये SSD का है। पूरा समझने के बाद में हमने रिएक्शन टाइम को पढ़ा, रिएक्शन टाइम किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, विच थ्योरी पे डिपेंड करता है, परसेप्शन पीव्स थ्योरी पे, PIEV, पी फॉर परसेप्शन, आई फॉर इंटलेक्शन, ई फॉर इमोशन, वी फॉर वॉल्यूशन, या और भी वेरियस फैक्टर्स है जिसपे क्या करता है, डिपेंड करता है। उसके बाद में हम लोगों ने ब्रेकिंग डिस्टेंस पढ़ा स्टूडेंट्स, इट इज़ व्हाट, ब्रेक टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला देखा, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्टूडेंट्स। जब हमारे पास अप ग्रेडियंट, डाउन ग्रेडियंट और फ्रीक्वेंसी देखा, ध्यान समझना ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज ऑलवेज मल्टीप्लाई टू एफ, क्योंकि जो हमने एच पर IRC एफ का रिजल्ट देखा वो 50% ब्रेक एफिशिएंसी पे देखा है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास स्टूडेंट्स ये टेबल्स आते हैं, दिस इज द फोर किसके लिए, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन के लिए है, ये वैल्यू हमारे पास किसके लिए, डिजाइन स्पीड के रिस्पेक्ट में दे रखा है। यहाँ पे हमने ये कंडीशन देखा स्टूडेंट्स, ये कंडीशन हमारे पास सिंगल लेन वन वे या फिर सिंगल लेन टू वे, टू लेन टू वे या मोर देन टू लेन के रिस्पेक्ट में है। और नेक्स्ट हमने जो देखा था स्टूडेंट्स, एक हमने देखा था हाइट, यस यार यार हमने एक पॉइंट, एक सेकंड जस्ट, एक देखा था हमने लेंथ, हाइट ऑफ द ड्राइवर आई, वेयर इज गोइंग, यस ये है। यहाँ पे SSD के लिए सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया है। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, आपने प्लीज उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू अवॉइड ए हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू कार्स
अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एज 90 एंड 60 किलोमीटर पर आवर, अज्यूम ए रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7 एंड ब्रेक एफिशिएंसी ऑफ द ऑफ 50% आइदर केस। तो स्टूडेंट सॉल्व दिस क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर के आपके लिए आएंगे। ओके, थैंक यू।